हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एसएससी क्लास फिफ्थ का फर्स्ट चैप्टर कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस करने वाले हैं, जिसमें टॉपिक्स हैं हमारे द सेवन कॉन्टिनेंट्स ओशंस अराउंड द वर्ल्ड। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको सेवन कॉन्टिनेंट्स और फाइव ओशंस के नाम लिखने हैं, जो कि है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। और ओशन से पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड सदर्न ओशन। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको एक लड़की है जो कि फोटोग्राफ देख रही है। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। चीनी इज एक्साइटेड टू गेट अ फोटोग्राफ फ्रॉम हर कज़न। उस गर्ल का नाम है चीनी, जो कि एक्साइटेड है, उसको उसकी कज़न तारा की तरफ से एक फ़ोटोग्राफ मिला है, जिसमें अंकल, आंटी और तारा एक वेकेशन पर हैं वर्ल्ड के चारों ओर। वो घूम रहे हैं एक क्रूज़ पे। ये जो बोट है, ये क्रूज़ पे ये लोग घूम रहे हैं। तो इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न दैट वाटर ऑन द अर्थ इज शोन इन ब्लू वाइल द लैंड इज शोन इन ग्रीन और ब्राउन। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि अर्थ पे जब भी हम कोई डायग्राम बनाते हैं या ग्लोब में देखते हैं, मैप में देखते हैं, तो जब पानी होता है वो ब्लू कलर में होता है और लैंड ग्रीन और ब्राउन कलर में दिखाई देती है। ऑल मेजर लैंड मासेस आर सराउंडेड बाय वाटर। तो जितने भी लैंड मासेस हैं वो वाटर के आसपास हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे लैंड मासेस, कॉन्टिनेंट जो हैं पूरे ये वाटर के पास हैं। The large land masses that we see on the globe are called continents. The large water bodies on the surface of the earth are called oceans. जो भी हम लार्ज कॉन्टिनेंट्स, लैंड मासेस देखते हैं ग्लोब पे, उनको कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। और जितनी भी हम लार्ज वाटर बॉडीज़ देखते हैं अर्थ सरफेस पे, उसको हम ओशंस कहते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ऑल कॉन्टिनेंट्स वर जॉइंट टुगेदर एज वन सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पैंगिया। तो हज़ारों साल पहले सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़ गए थे और एक सुपर कॉन्टिनेंट बना था, जिसको पैंगिया नाम से जाना जाता है। Gradually, the Pangaea broke up into land masses or drifted apart to from continents. फिर एकदम से सारे जो ये जो पैंगिया बना था एक सुपर कॉन्टिनेंट, ये टूट गया और सारे लैंड मासेस में ये ड्रिफ्ट हो गया टू कॉन्टिनेंट्स बनने के लिए। द सेवन कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड आर। तो जैसे कि यहाँ पे अभी हमने फर्स्ट स्लाइड पे देखा था, यहाँ पे हमको वो करने के लिए दिया था सेवन कॉन्टिनेंट्स और फाइव ओशंस। तो यहाँ पे ये हैं, सबसे पहले है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो येलो कलर्ड है वो नॉर्थ अमेरिका है, जो पर्पल कलर्ड है वो साउथ अमेरिका है, और जो ये नीचे वाइट कलर्ड है वो अंटार्कटिका है। ये साइड में ऑरेंज कलर्ड ऑस्ट्रेलिया है, और ये ब्राउन कलर अफ्रीका, पिंक कलर यूरोप और एक ग्रीन कलर एशिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एशिया कितना बड़ा है और ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट होता है। तो यहाँ पे लिखा है एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज सच एज चाइना एंड इंडिया आर लोकेटेड इन एशिया। कुछ बहुत लार्ज और पॉपुलेटेड कंट्रीज़ जैसे कि चाइना और इंडिया एशिया में ही लोकेटेड हैं। एशिया इज़ सराउंडेड बाय द पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट, द आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ। तो ये जो एशिया है ये काफ़ी सारे ओशंस के
पास है, जैसे कि यहाँ पे ये एशिया है, इसके ऊपर यहाँ पे आर्कटिक ओशन है, यहाँ पे ये आर्कटिक ओशन है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, और इसके नीचे इंडियन ओशन है, यानी ये साउथ में है हमारा इंडियन ओशन, और पैसिफिक ओशन है हमारा ईस्ट में, आर्कटिक ओशन है हमारा नॉर्थ में, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। एशिया इज़ वेरिड एंड इंटरेस्टिंग जियोग्राफिकल फीचर्स, जो एशिया है उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग और जियोग्राफिकल फीचर्स है। एशिया ऑल्सो है द टू हाइएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड, एशिया में जो दो हाइएस्ट माउंटेन रेंजेस भी हैं, जो कि हैं द हिमालयस एंड द करकोरम रेंजेस। अदर इम्पॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स इंक्लूड द गोबी डेजर्ट, द टिबेटन प्लेटू, द थार डेजर्ट, द तखलामकन डेजर्ट एंड द यांगटेज रिवर। इसमें और भी जैसे फिजिकल फीचर्स है, जैसे कि यहाँ पे जो गोबी डेजर्ट है वो है टिबेटन प्लेट्यू, थार डेजर्ट, तखलामकन डेजर्ट और यांगटेज रिवर भी यहाँ पर ही है। द माउंटेन रेंजेस कंटेन मैनी ग्लेशियर्स विच स्लोली मेल्ट एंड द वाटर फ्लोज डाउन टू फॉर्म सम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड, सच एज गंदा गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। जो कि माउंटेन रेंजेस है वो बहुत सारा ग्लेशियर कंटेन करती है, जो कि धीरे धीरे मेल्ट होता है और ये जो पानी बनता है वो नीचे बह के बहुत सारी कुछ लार्ज रिवर्स बनाता है वर्ल्ड में, जैसे कि गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक इज माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन एशिया। जो वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक है यानी कि माउंट एवरेस्ट, वो भी एशिया में ही लोकेट करती हैं। तो ये हम डू यू नो पढ़ते हैं। द ग्लेशियर इन द हिमालयस होल्ड फ्रेश वाटर आइस, द साइकिंग ग्लेशियर लोकेटेड इन द हिमालयस इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर फाउंड आउटसाइड द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। जो हिमालयस में ग्लेशियर होता है वो फ्रेश वाटर और आइस होती है उसमें, द साइकिंग ग्लेशियर हिमालय में लोकेट करता है, और ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है जो कि नॉर्थ एंड साउथ पोल्स में है। अफ्रीका जो है हमारा वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, जो कि यहाँ पे लिखा है इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स वेरीड फिजिकल फीचर्स एंड वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये अपने वेरीड फिजिकल फीचर्स और वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ से बहुत जाना जाता है, जैसे कि माउंट किलिमंजारो इज़ द हाईएस्ट माउंटेन अफ्रीका, माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन है। द सहारा डेजर्ट लाइज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, जो सहारा डेजर्ट है वो अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में है। इट इज़ द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ये जो सहारा डेजर्ट है वो लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है वर्ल्ड का। इट इज़ सो लार्ज दैट इट कैन कवर एन एरिया एज लार्ज एज अ कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप, ये इतना लार्ज है कि ये पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट को कवर कर सकता है। द नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, जो नाइल रिवर है वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर होती है। द इजिप्शियन सिविलाइजेशन ग्रो ऑन द बैंक्स ऑफ द नाइल रिवर, जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है वो भी बैंक्स नाइल रिवर के बैंक्स में ग्रो हुआ है। द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका इज सराउंडेड बाय द मेडिटेरेनियन सी इन द साउथ, द अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट एंड द इंडियन ओशन इन द ईस्ट। जो अफ्रीका है कॉन्टिनेंट वो मेडिटेरेनियन सी नॉर्थ में है उसके, और अटलांटिक ओशन उसके वेस्ट में है, इंडियन ओशन उसके ईस्ट में है। अफ्रीका
इज़ फेमस फॉर इट्स डायमंड माइंस. अफ्रीका अपने डायमंड माइंस के लिए बहुत फेमस है. तो यहाँ पे हम भरते हैं डू यू नो माउंट किलिमंजारो इज अ डोमेंट वोल्केनिक माउंटेन इन टेंजेनिया. जो माउंट किलिमंजारो है वो एक डोमेंट वोल्केनिक माउंटेन है टेंजेनिया में. इट इज़ द हाइएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन इन द वर्ल्ड. ये हाइएस्ट फ्री स्टैंडिंग बिना किसी सपोर्ट के खड़े होने के लिए एक माउंटेन है वर्ल्ड में. इट्स अपर पार्ट इज कवर्ड विथ स्नो. इसका जो ऊपर का पार्ट है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्नो से कवर्ड है. इट हैज थ्री वॉल्केनिक कोन्स कीबो मावेंजी एंड शीरा. इसके तीन वॉल्केनिक कोन्स हैं जैसे कि कीबो मावेंजी एंड शीरा. तो अब हम पढ़ते हैं थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो कि है नॉर्थ अमेरिका. द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैनेडा एंड मैक्सिको आर द थ्री मेन कंट्रीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका. ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैनेडा और मैक्सिको तीन मेन कंट्रीज हैं नॉर्थ अमेरिका की. देर आर मैनी हाई माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज एंड लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका. द रूकीस इन द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका में बहुत से हाई माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है और लेक्स है. और जो रॉकीज हैं, रॉकीज इज़ द हाइएस्ट माउंटेन रेंज. रॉकीज वहाँ की हाइएस्ट माउंटेन रेंज है. ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ फाइव लार्ज लेक्स. नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट पे फाइव लार्ज लेक्स का ग्रुप है. दे टुगेदर फॉर्म द ग्रेट लेक्स. ये सारी एक साथ ग्रेट लेक्स बनती हैं. द येलोस्टोन नेशनल पार्क इज द वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल पार्क. जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है वो वर्ल्ड का फर्स्ट नेशनल पार्क है. इट इज़ फेमस फॉर इट्स हॉट स्प्रिंग्स एंड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. ये फेमस है अपने हॉट स्प्रिंग्स और वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए. तो यहाँ पे जैसे कि हम ये पढ़ सकते हैं येलोस्टोन नेशनल पार्क के बारे में. ये एक नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है. ये एक वॉल्केनिक हॉटस्पॉट है. यहाँ पे एक ओल्ड फेथफुल है जो कि इसका लार्जेस्ट हॉट गीजर है. तो कि यहाँ पे देख सकते हैं ओल्ड फेथफुल गीजर इन येलोस्टोन नेशनल पार्क ये है. तो अब हम फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं जो कि है साउथ अफ्रीका. ये कॉन्टिनेंट दिस कॉन्टिनेंट इज होम टू द डेंसेस्ट फॉरेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये कॉन्टिनेंट डेंसेस्ट फॉरेस्ट और लार्जेस्ट वैरायटी है, वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का घर है एक तरह से. द अमेजॉन रिवर इन साउथ अमेरिका इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट फ्लोस इन इट. यहाँ पे एक लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है जो कि है अमेजॉन रिवर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. और द लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स, जो लार्जेस्ट रिवर है नाइल, वो यहाँ पे उसका अमाउंट ऑफ वाटर जो है यहाँ पे फ्लो होता है. द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट आर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द अमेजॉन रिवर. जैसे कि ये हमारी अमेजॉन रिवर है, इसके बैंक्स पे ये अमेजॉन फॉरेस्ट है. देयर दे आर द लार्जेस्ट एंड द डेंसेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड. ये लार्जेस्ट और डेंसेस्ट फॉरेस्ट होते हैं वर्ल्ड के. साउथ अमेरिका हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट्स एंड लैंडफॉर्म्स. साउथ अमेरिका में वाइड रेंज है क्लाइमेट्स की और लैंडफॉर्म्स. देयर आर
snow covered Andes mountains as one extreme and the dry La Guajira desert located in Colombia as the other extreme. यहाँ पे एंडस माउंटेन पे जो है स्नो कवर्ड होता है वो एंडस माउंटेन एंड एक ड्रायला ग्वाजिरा डेजर्ट है जो कि कोलंबिया में लोकेट करता है. मैनी वाइल्ड एनिमल्स एंड रेप्टाइल्स सच एज एनाकोंडा एंडीन कोंडोर एंड आर्माडिलो आर फाउंड इन साउथ अमेरिका. बहुत से वाइल्ड एनिमल्स और रेप्टाइल्स जैसे कि एनाकोंडा एंडियन कॉन्डोर और ये आर्माडिलो जैसे वाइल्ड एनिमल्स और रेप्टाइल्स साउथ अमेरिका में मिलते हैं. तो जो हमारा फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जो कि है एंटार्क्टिका, इट इज़ कॉल्ड द वाइट कॉन्टिनेंट्स एज इट इज कवर्ड विथ स्नो एंड आइस ऑल थ्रू द ईयर. इसको वाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं क्योंकि पूरे साल स्नो और आइस से कवर रहता है. दे आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स इन एंटार्क्टिका. और यहाँ पे कोई भी परमानेंट लोग जो है सेटल नहीं रहते हैं एंटार्क्टिका में. दिस कॉन्टिनेंट इज होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ सील्स पेंगुइन्स सी बर्ड्स एंड व्हेल्स. ये कॉन्टिनेंट लार्ज नंबर ऑफ सील्स पेंगुइन्स सी बर्ड्स एंड व्हेल्स का घर है. द एंटार्क्टिक आइस शीट इज द लार्जेस्ट सिंगल मास ऑफ आइस ऑन अर्थ. जो एंटार्क्टिक आइस शीट है वो लार्जेस्ट सिंगल मास ऑफ आइस है अर्थ में. द साउथ पोल इज लोकेटेड ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट. जो साउथ पोल है वो इस कॉन्टिनेंट के ऑलमोस्ट सेंटर में लोकेटेड है. एंटार्क्टिकास वोस्टोक स्टेशन recorded -89.2 degrees Celsius as the coldest temperature on the earth. जो वॉस्टॉक स्टेशन है वहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है एंटार्क्टिका का वॉस्टॉक स्टेशन में रिकॉर्ड हुआ है -89.2 degrees Celsius जो कि coldest temperature है earth पे. तो यहाँ पे माउंट इराबस इन एंटार्क्टिका इज द साउदर्न मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑन अर्थ. जो माउंट इराबस है एंटार्क्टिका में वो साउदर्न मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है अर्थ में. गैम्बर्टिस माउंटेन्स आर अ रेंज ऑफ स्टीप पीक्स दैट रन अक्रॉस द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका. जो ये गैम्बर्टिस माउंटेन है रेंज ऑफ स्टीप पीक्स वो कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका के अक्रॉस रन करते हैं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं गैम्बर्टिस माउंटेन जो कि ऐसे दिख रहा है कुछ, और ये है माउंट इराबस जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो हमारा सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है यूरोप. यूरोप थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में. यूनाइटेड किंगडम नॉर्वे फ्रांस जर्मनी एंड स्पेन आर सम इम्पॉर्टेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप. यूनाइटेड किंगडम यानी यूके नॉर्वे फ्रांस जर्मनी और स्पेन कुछ इम्पॉर्टेंट कंट्रीज है यूरोप की. यूरोप इज सराउंडेड बाय द मेडिटेरेनियन सी इन द साउथ. इसके साउथ में मेडिटेरेनियन सी है और इस ये बॉर्डर्ड है कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया के ईस्ट में और अटलांटिक ओशन है इसके वेस्ट में. यूरोप एंड एशिया आर टुगेदर कॉल्ड यूरेशिया. यूरेशिया इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच
ऑफ लैंड स्ट्रेच ऑफ लैंड ऑन अर्थ, जो यूरेशिया है वो लॉन्गेस्ट स्ट्रेच है अर्थ में. द वोल्गा एंड द डेन्यूब आर द टू इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ यूरोप. तो यूरोप में यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट रिवर्स है जो कि है वोल्गा एंड डेन्यूब. द एल्प्स एंड द उरेल्स आर टू फेमस माउंटेन रेंजेस इन यूरोप. जो एल्प्स और उरेल्स है वो टू फेमस माउंटेन रेंजेस है यूरोप में. माउंट ब्लैंक इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द एल्प्स. माउंट ब्लैंक हाईएस्ट माउंटेन है एल्प्स में. देयर वाज अ टाइम व्हेन यूरोप हैड रेन फॉरेस्ट. टुडे पेरोसिया इज बोस्निया इज वन ऑफ द लास्ट रेन फॉरेस्ट लेफ्ट इन यूरोप. पहले एक टाइम था जब यूरोप के पास बहुत सारे रेन फॉरेस्ट थे, लेकिन अब पेरोकिया बोस्निया में उसके पास बस एक ही लास्ट रेन फॉरेस्ट लेफ्ट है यूरोप के अंदर. तो हमारा वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट यानी सेवेंथ कॉन्टिनेंट है, जो कि स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, वो है ऑस्ट्रेलिया. इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट विच इज़ ऑल्सो अ कंट्री एंड एन आइलैंड. जो कि ऑस्ट्रेलिया है वो एक कॉन्टिनेंट तो है ही, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और एक कंट्री भी है और एक आइलैंड भी है. ऑस्ट्रेलिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स. ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर जो है वाटर है. जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल खुले ले लेते हैं. ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया और इसके पूरे मतलब ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है ही और इसके चारों ओर पानी ही पानी है. इट इज़ फेमस फॉर इट्स ग्रेट बैरियर रीफ एंड द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट. ये अपने ग्रेट बैरियर रीफ और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट से फेमस है. द ग्रेट बैरियर रीफ इज़ द लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑन अर्थ. जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो लार्जेस्ट कोरल रीफ है अर्थ पे. इट इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट टूरिस्ट अट्रैक्शंस एंड इज अ प्रोटेक्टेड मरीन एनवायरमेंट. ये एक प्रोमिनेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है और मैरीन एनवायरमेंट से प्रोटेक्टेड भी है. प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन द ओशन आर कॉल्ड मैरीन लाइफ. जो प्लांट्स और एनिमल्स ये इस ओशन में रहते हैं उस लाइफ को मैरीन लाइफ कहा जाता है. द साउथ वेस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न टिप्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैव अ माइल्ड क्लाइमेट. जो साउथ वेस्टर्न और साउथ ईस्टर्न टिप्स है ऑस्ट्रेलिया के उसमें एक माइल्ड क्लाइमेट है. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इज मोस्टली ड्राई एंड हैज एक्सट्रीम क्लाइमेट. मोस्ट जो पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट बचे पार्ट है इस कॉन्टिनेंट के वो मोस्टली ड्राई हो चुके हैं उसके एक्सट्रीम क्लाइमेट की वजह से. मोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियाज पॉपुलेशन लिव इन द साउथ वेस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो साउथ वेस्टर्न और साउथ ईस्टर्न पार्ट में रहती हैं. एयर रॉक्स ऑल्सो नो एज उलुरू इज द लार्जेस्ट सिंगल रॉक ऑन द अर्थ. एयर्स रॉक जो कि ऑल्सो उलुरू के नाम से जाना जाता है वो लार्जेस्ट सिंगल रॉक है अर्थ पे. इट स्टैंड्स एज हाई एज 1,143 फीट एंड इज विजिबल फ्रॉम अ फार अवे डिस्टेंस. इस ये इतना 1,143 फीट लंबा है और ये मतलब बहुत फार अवे डिस्टेंस से भी दिख जाता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. ये हमारा आयर रॉक है यहाँ पे. अब हम पढ़ते हैं ओशंस अराउंड द वर्ल्ड. द oceans of the world are connected with each other and are separated by the continents. ये सारे जो ocean हैं वो world के वो सारे connected हैं
कनेक्टेड है और सेपरेट हो चुके हैं कॉन्टिनेंट्स की वजह से. द ओशंस हैव सॉल्टी वाटर एंड अ रिच वैरायटी ऑफ मैरीन प्लांट्स एंड एनिमल. जो ओशन है उनमें सॉल्टी वाटर है और रिच वैरायटी है मैरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स की. तो हमारे सबसे पहले ओशन आता है पैसिफिक ओशन, जो कि लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन है वर्ल्ड का. इट कवर्स अबाउट 30% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड इट इज ऑल कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट यूरोप एंड अफ्रीका. ये जो पैसिफिक ओशन है वो पूरा 30% ऑफ़ द अर्थ सरफेस कवर करता है और सारे कॉन्टिनेंट्स को टच करता है सिवाय यूरोप एंड अफ्रीका के. द मरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट स्ट्रेच इन द वर्ल्ड. तो ये मरियाना ट्रेंच है पैसिफिक ओशन में, वो डीपेस्ट ट्रेंच है वर्ल्ड की. सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव एंडोमेंट फॉर कैनोज लाई इन द पैसिफिक ओशन. कुछ वर्ल्ड के मोस्ट एक्टिव एंड डॉर्मेंट वोल्केनोस पैसिफिक ओशन में लाए करते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैरीन लाइफ पैसिफिक ओशन की और अंडरसी व्यू ऑफ द मिड अटलांटिक रिज यहाँ पे हम देख सकते हैं. तो अब हम बढ़ के वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट ओशन अटलांटिक ओशन के बारे में. इट इज बाउंड by the continent Europe and Africa in the east and by North America and South America in the west. ये bound हो रखा है continent Europe and Africa east में और North America and South America के west में. The ocean forms the shape of the letter S. तो ये जो ocean है वो S letter की shape form करता है. A long range of undersea mountains lies beneath the Atlantic Ocean. जो long range है, long range of undersea mountains जो है वो lie करते हैं beneath the Atlantic Ocean. It is called the Mid Atlantic Ridge. इसको हम Mid Atlantic Ridge कहते हैं. In many places the mountains reach above the sea level and form island. बहुत सी जगह mountains जो है above the sea के ऊपर level में reach हो जाते हैं और एक island बन जाता है. जैसे कि हम किसी बड़े सा ocean होता है उसके बीच में हमको बीच में ऐसे मतलब land दिखता है तो वो mountain होता है जो कि सी के ऊपर एक आइलैंड की तरह बन जाता है. द अटलांटिक ओशन प्रोड्यूसेस अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स फिश सप्लाई. तो अटलांटिक ओशन है वो लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो लार्ज पार्ट वर्ल्ड के फिश सप्लाई का प्रोड्यूस करता है, तो को प्रोड्यूस करता है. It also has large deposits of petroleum, natural gas and coal. इसके पास और भी बहुत से large deposits हैं जैसे कि petroleum, natural gas और coal के. The Indian Ocean is the third largest ocean in the world. Indian Ocean है third largest ocean है world का. It is bound by Africa towards the west, Asia towards the north and Australia towards the sea. ये अफ्रीका के बाउंड करता है वेस्ट में, एशिया के नॉर्थ में, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में. द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल आर पार्ट्स ऑफ द इंडियन ओशन. द अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन के पार्ट्स हैं. द वाटर ऑफ द इंडियन ओशन इज़ वार्मर देन एनी अदर ओशन इन द वर्ल्ड. जो इंडियन ओशन है उसका पानी जो होता है वो बाकी सारे ओशंस है वर्ल्ड में से उतना गर्म होता है, वार्म होता है. द आर्टिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. जो हमारा आर्टिक ओशन है वो स्मॉलेस्ट ओशन है वर्ल्ड का. इट लाइज
इन द नॉर्दर्न पोलर रीजन. ये नॉर्दर्न पोलर रीजन और अराउंड द आर्टिक सर्कल, आर्टिक सर्कल के अराउंड में लाया करता है. द ओशन इज फ्रोजन ड्यूरिंग द विंटर सीजन. ये ओशन जम जाता है पूरा विंटर के टाइम. जैसे कि अभी विंटर हो रहा है तो ये ओशन पूरा जमा हुआ होता है. ड्यूरिंग समर द आइस वेल्थ टू फॉर्म लार्ज आइस बॉक्स एंड फ्लोटिंग आइलैंड्स कॉल्ड आइस फ्लोस. समर जब आ जाती है, गर्मियाँ जब आ जाती हैं, तो ये जो आइस होती है वो मेल्ट हो जाती है लार्ज आइस बॉक्स बनने के लिए. जैसे हम बहुत सारी जगह देखते हैं जो आइस होती है उसके बड़े बड़े से जो टुकड़े होते हैं वो ऐसे ही तैरते रहते हैं और ये फ्लोटिंग आइलैंड बन जाते हैं जैसे कि हम आइस फ्लोस कहते हैं. द नॉर्थ पोल लोकेटेड ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द फ्रोजन ओशन. जो नॉर्थ पोल है वो ऑलमोस्ट सेंटर में लोकेट करता है ये फ्रोजन ओशन के, यानी आर्टिक ओशन के. फिर आता है हमारा लास्ट ओशन जो कि है द सदर्न ओशन. द सदर्न ओशन हैज़ बीन नेम्ड एज द फिफ्थ ओशन. जो सदर्न ओशन है वो फिफ्थ ओशन है. द सदर्न पोर्शन ऑफ द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन एंड द इंडियन ओशन कंबाइन टू फॉर्म द सदर्न ओशन. जो सदर्न पोर्शन है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन के, वो कंबाइन करके सदर्न ओशन बनता है. द ओशन वाटर लाइन टू द साउथ ऑफ 60 degrees साउथ लैटिट्यूड इज कॉल्ड द सदर्न ओशन. ओशन वाटर जो लाया करता है साउथ ऑफ 60 degrees साउथ लैटिट्यूड, उसे सदर्न ओशन कहते हैं. इट कम्प्लीटली सराउंड द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका. ये पूरी तरह से एंटार्क्टिका के सराउंड करता है. द ओशन रिमेन्स मोस्टली फ्रोजन फॉर द होल ईयर. ये जो ओशन है वो मतलब हमेशा फ्रोजन रहता है पूरे साल मोस्टली. अर्लियर इट वॉज नोन एज द एंटार्क्टिक ओशन. अर्लियर एंटार्क्टिक ओशन के नाम से जाना जाता था. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या क्या लर्न करा. लार्ज लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, ये सब हमने लर्न करा है. तो अब हम यहाँ पे एक लास्ट एक्सरसाइज करते हैं जो कि है सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स. लार्ज लैंड मासेस ऑन अर्थ सरफेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट. द डैश इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड. क्योंकि हमने पढ़ा था येलोस्टोन नेशनल पार्क. द डैश एंड द डैश आर इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ यूरोप जो कि है वोल्गा और डेन्यूब. द डैश इज द पैसिफिक ओशन इज द इन द पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड जो कि है मरीन ट्रेंच. द डैश इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड जो कि है द सॉरी ग्रेट बैरियर रीफ. अब हम कहते हैं ट्रू फॉल्स. द हिमालयाज आर लोकेटेड इन एशिया. तो जो ये है हिमालयाज एशिया में लोकेट करते हैं, ये है ट्रू. द अटलांटिक ओशन प्रोड्यूसेस अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स फिश सप्लाई जो कि है ट्रू. द वाटर ऑफ द इंडियन ओशन इज कोल्डर देन द वाटर ऑफ द पैसिफिक अटलांटिक एंड आर्टिक ओशन जो कि है फॉल्स. क्योंकि ये वार्मर होता है बाकी सारे ओशन से, गर्म होता है. ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड फॉल्स. क्योंकि एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है. यूरोप इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड जो कि है फॉल्स. क्योंकि ये थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड है. तो अब यहाँ पे हमको ये रिडल्स है जिसके हमको नेम देने हैं करेक्ट. ओके. आई एम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट. आई एम इन अफ्रीका जो कि है कह रहा है कि मैं लार्जेस्ट डेजर्ट हूँ वर्ल्ड का और अफ्रीका में हूँ जो कि है सहारा डेजर्ट.
I am the ocean near the North Pole. I am frozen in the winter season. मैं ocean हूँ North Pole के पास और मैं winter season में हमेशा जमा रहता हूँ. देखिए Arctic Ocean. I am the largest and deepest ocean in the world. मैं largest और सबसे गहरा ocean हूँ world का. Pacific Ocean. I form the shape of the letter S. I have an undersea mountain range. मैं letter S की shape form करता हूँ और मैं undersea mountain range हूँ मैं मेरे पास जो कि है Atlantic Ocean. I am the southern most continent and I am known as the white continent. मैं southern most continent हूँ और मैं white continent के नाम से भी जाना जाता हूँ जो कि है हमारा Antarctica. तो अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए विथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो कमेंट करिएगा, फिर हम इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन विथ क्वेश्चन आंसर्स भी लाएंगे. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.